हाय हेलो, बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को मेरा प्यार और दोस्तों को आज जैसे ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था और बस छोटा मोटा काम किया। भिंडी का पेड़ लगाया हुआ था और काफ़ी बड़ा हो गया था और उसको कटाई और साफ सफाई थोड़ा बहुत किया गया। और ऐसे में भी मैं थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि जिसमें बोला था कि मेरे शोल्डर पर जो इंजरी है उसके लिए मैं अपना अपॉइंटमेंट लिया हूँ वेल्लोर में, क्योंकि 1 अक्टूबर को मुझे वहाँ दिखाना है। अभी आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कुछ नेगेटिव चीज़ हो, बस ये दोनों सलामत रहे। बिकॉज मैं राइडिंग ड्राइविंग के बिना अपना लाइफ को सोच भी नहीं सकता हूँ, सो फॉर दैट आई नीड दिस टू बी परफेक्ट। एंड आज छोटा मोटा वीडियो बनाया हूँ उसको भी अपलोड कर रहा हूँ। एंड अभी तक जो भी मेरा चैनल को नहीं जानते या नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कुछ गलत है तो बोलिए, बिकॉज योर कमेंट विल हेल्प मी टू ग्रो एंड आई नीड योर सपोर्ट। सो देखते हैं आज क्या क्या मैं किया। बस वॉच इट, हवा चल रहा आज फिर पूरा हवा चल रहा है और बारिश हो रहा है, इसे कहते हैं बारिश। गजब भिंडी का पेड़ लगाए थे, ये भिंडी का पेड़ इतना लंबा हो गया अभी आज इसको ख़त्म उठा दिया जा रहा है। कूड़ी ऊपर है ना, ये काफ़ी लंबा हुआ, इतना भिंडी का पेड़ इतना लंबा मैं कभी नहीं देखा था। देखिए कितना लंबा, वाह। तो इसको उखाड़ दे रहे हैं आज, यहाँ पे साग उग कुछ भी लगाया जाएगा। ये है सब कोहरा सब हुआ, वहां पे भी लगा हुआ है भिंडी का पेड़ कर दिया जाएगा पूरा पूरा साफ। और यहाँ पे सोनिया चुन रही है भिंडी सब, मेरा गाय को देगी। ये सोनिया जो है हम लोग का हॉस्टल में अगर 1 मिनट के लिए ना रहे तो हम लोग का अंधेरा दिखता है, इसका लंबा कहानी है, मैं कभी बोलूँगा ना। सोनिया सोनिया की करबे तीगुटा भिंडिका हाँ गाय को देव। पूरा ए भिंडी सब अभी तो नहीं होगा, ए बुढ़ा ही जिन्हें बुढ़ा, हाँ ये गाय को दे दिया जाएगा।
क्योंकि बीच में मुर्गी नहीं था मेरा कुत्तों के लिए, जो पेट्स में रखा थोड़ा सस्ता में मिला, इसलिए मैं 6 ठो लेके आ गया। और यहाँ है मेरा गाय, तोड़ दे ठीक है। हाँ चलो, यहाँ रहती है ये। यहाँ पे काफ़ी लौकी जो बोलते हैं, और काफ़ी सारे आया है। ये 2-3 महीना पहले शायद अप्रैल मई में लगाया था मैं ये, और अच्छा है खाने के लिए कुछ तो। काफ़ी हुआ है अंदर यहाँ, एक काफ़ी हुआ है ये छोटा वाला यहाँ पे भी हुआ है। तो बगान का काम वो कर रहा है और मैं आ गया, अभी मैं चल रहा हूँ नहाने के लिए क्योंकि आज सुबह में नहीं नहाया, तो अभी नहा लूँगा, नहा के फिर आज का जो वीडियो है उसको अपलोड कर दूँगा। होप मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, और अगर कुछ गलती है तो बोलिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छा है, कुछ ऐड करना है और आप लोग का कमेंट से ही मैं सुधरूंगा, मैं अच्छा करूंगा। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल आर एस राइडर जीत, और स्टे सेफ ऑलवेज। कुछ नहीं, नहा के निकल के आ गया, गाड़ी में थोड़ा तेल डालाना था मेरा, तेल डाला रहा तेल क्योंकि कल फिर स्कूल है, और आज काफ़ी काम हुआ, काफ़ी वीडियोस बने हैं, और अभी जाऊंगा, जब बैठूंगा उसको मैं एडिट करके डाल दूँगा। और अभी भी जो लोग अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड विच इज़ आर एस राइडर जीत, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक्स कमेंट, आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो, एंड I will be uploading the videos and see you soon. 1000 रुपये का पेट्रोल डाला, डीजल डाला गया है, अभी निकल के थोड़ा ऐसे घूमेंगे सामने जाके, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। सो आगे चला जाए, अभी मेरा गाड़ी थोड़ा सर्विसिंग मांग रहा है, बोलेरो, काफ़ी दिन हो गया मैं काम नहीं कराया हूँ क्योंकि लॉकडाउन था, गाड़ी इतना यूज़ नहीं हो रही थी, अभी क्योंकि गाड़ी यूज़ हो रही है तो बनाना ज़रूरी हो गया। मैं बाकी सब ऑटो वगैरह रेडी कर दिया हूँ, और ड्राइवर को भी बोला हूँ कल से थोड़ा ऑटो का यूज़ करने के लिए, ऑटो यूज़ करने से मैं गाड़ी का काम थोड़ा करूँगा। अभी ये वही रोड है, सेम रोड, कभी घूमते रहता हूँ शाम को मैं इस तरफ, काफ़ी अकेला अच्छा लगता है, अपना गाड़ी में अकेला गाड़ी चलाते रहो, बातें करते रहो। चलिए आगे दिखाता हूँ फिर आप लोग को। मंगला मंदिर वाला रोड आजकल काफ़ी खूबसूरत लगता है जब से स्ट्रीट लाइट लग गई है। खाली रहती है और ऐसे में जो ड्रीम से ओसन नया आया हुआ है, मैं कल लाया था, काफ़ी टेस्टी है, सेम टेस्ट है जैसे रेडबुल का जैसा,